हाल कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मुझे आज इतनी ज़्यादा हड़बड़ी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ और कभी कभी खुद के ऊपर सरप्राइज भारी पड़ जाता है। एक्चुअली मैं इनसे हमेशा बोलती हूँ कि मतलब जब से मेरी शादी हुई, मतलब इनकी क्या आदत है ना कि सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर देना कि हमें इस दिन ये करना है, मतलब पहले से सारा प्री प्लान करना। और मुझे क्या है, मुझे सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं इनसे बोलती हूँ कि जब से मेरी शादी हुई है आप ना एक भी सरप्राइज आज तक नहीं दिए हो। तो ये बोले चलो ठीक है। तो फाइनली मुझे सरप्राइज़ मिल गया है एंड सुबह मॉर्निंग में इन्होंने बताया कि हम बाहर जा रहे हैं घूमने और इतने दिनों से ट्रिप प्लान किया हुआ था, लेकिन मतलब इतने दिन से प्लान कर रहे थे जाएंगे जाएंगे, लेकिन मतलब होता नहीं है। जब सच में भगवान चाहते हैं तभी इंसान पहुंच पाता है, तो ऐसा ही हुआ कुछ हमारे साथ। तो बस अब फाइनली जाने का टाइम आ गया और आज मुझे सुबह सुबह ही सरप्राइज़ मिल गया। इन्होंने सुबह सुबह ही बता दिया कि टिकट हो गई है और आज ही निकलना है, तो तुम्हें सारा सब कुछ मैनेज आज ही करना है। तो अभी मुझे 1 घंटे पहले पता चला है और मैं बस अब तैयारियों में लगी हुई हूँ, क्योंकि मुझे आज ही के आज सारी पैकिंग करनी है और बच्चों के साथ यू नो समझ सकते हो ना, बहुत सारा सामान हो जाता है, बहुत सारी पैकिंग करने के लिए हो जाता है। कपड़े हैं और ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं, हम 1-2 दिन 3 दिन जितने भी दिनों के लिए बाहर जाते हैं ना, बहुत सारा सामान पैक करना पड़ जाता है थोड़ा थोड़ा करके। तो आज इनका सरप्राइज भारी पड़ गया। तो बस चलो अभी फटाफट से पहले किचन में चलते हैं, किचन के सारे काम निपटा लेते हैं, रास्ते के लिए कुछ बना लेते हैं, कुछ पैक कर लेते हैं बच्चों के खाने पीने की चीज़ें। तो कुछ तो मार्केट से ही मंगा लिया है और कुछ घर में ही बनाया हुआ है, तो सब कुछ पैक कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। फ्रेंड्स मैं अभी आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं कर रही हूँ रास्ते के लिए कुछ पैकिंग, स्नैक्स वगैरह, जैसे अक्षय दादे के लिए बिस्किट हो गया और लड्डू बनाए हुए थे मम्मी ने बेसन के, तो वो भी मैं रख ले रही हूँ रास्ते के लिए। और सफ़र में ना खाने पीने की चीज़ें अपने पास रखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मिल तो सब कुछ जाता है ट्रेन में, पूरे टाइम कुछ ना कुछ आता ही रहता है, चाय है, लेकिन वो सब ना हेल्थ के लिए उतना अच्छा भी नहीं होता है। तो हम अगर घर से ही साफ शुद्ध चीज़ें बना करके ले जाएँ तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। और उसके बाद मैं रात के लिए खाना भी बना ले रही हूँ, क्योंकि ट्रेन में ही हमें रात में खाने की भी ज़रूरत होगी। तो बस यहाँ पर मैं आटा का डो रेडी कर रही हूँ और मैं बनाऊँगी पूड़ी और सब्ज़ी। पूड़ी ही सब्ज़ी पैक करके ले जाएंगे, रोटी वगैरह पैक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, रोटी वगैरह जब ठंडी हो जाती है तो खाने में उतना अच्छा नहीं लगता है, तो सफ़र के लिए पूड़ी बेस्ट रहती है। तो पूड़ी और सब्ज़ी मैं रास्ते के लिए बना लूँगी। तो चलो मैं दोपहर के लिए लंच भी रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अरहर की एकदम प्लेन सादी वाली दाल बना रही हूँ, तो बस मैंने हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है और पानी मैं इस तरीके से कटोरियों से नाप करके डालती हूँ, तो दाल में कभी भी पानी कम या ज़्यादा नहीं होता, एकदम परफेक्ट बनती है। उसके बाद ये सब कुछ मैंने यहाँ पर पैक कर लिया। उसके बाद ये मूँगफली मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ, तो मूँगफली है, लाई है और मखाना है, इन सबको मैं एक साथ फ्राई करके और इनको भी पैक कर लूँगी। कॉफ़ी यहाँ पर बन चुकी है, तो चलो अभी हम कॉफ़ी भी पी लेते हैं साथ में साथ। और बस आज बहुत हड़बड़ी है, दोनों हाथ मेरे किचन में चल रहे हैं, तो अभी मूंगफली भुनने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़े पेशेंस की ज़रूरत होती है। और साइड में अजवाइन पानी भी बॉयल हो गया है और ये हमारी रास्ते के लिए सब्ज़ी बन गई है, आलू टमाटर की। मटर मैंने नहीं डाली हुई है, मुझे ऐसे आलू वाली सब्ज़ी पूड़ी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो सफ़र में जब कभी भी जाना होता तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और रोटियाँ भी बन गई हैं, तो अभी हम लोग लंच करेंगे। और ये जो टिफ़िन हमने रेडी किया है ये रास्ते के लिए, रात के लिए हम तैयार किया हुआ है मैंने, तो यहाँ पे पूड़ी भी बन गई है, पूड़ी भी पैक कर लिया है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि प्राची कहाँ पहुँच गई है, तो देख सकते हो आप लोग मेरे वीडियोस में बहुत बार देख चुके हो, तो ये है मेरा घर। तो प्राची पहुँच गई है अपनी बुआ के यहाँ, यानी मेरे मायके। दोनों भाई
भाभियाँ उसका वेलकम कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही ना मज़ा आती है, सब लोग आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं, तो मिस कर रही हूँ। मैं भी वहाँ होती ना तो बहुत अच्छा लगता। तो थोड़ी सी क्लिप मेरे पास थी तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि क्या हो रहा है मेरे मायके में, कौन आ गया है भाई और इतनी चहल पहल किस बात में है। तो प्राची पहुँच गई है और उसी की चहल पहल है इतना ज़्यादा अभी इस टाइम पर। और उसके बाद वापस से मैं अपने किचन में आ गई हूँ, तो आपको मैं अपने मायके तक घुमाने के बाद फिर से अपने किचन में आ गई हूँ, अपने कामों में लग गई हूँ। तो यहाँ पर मैं सब कुछ बैग में पैक कर रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, हमें 3:30 बजे तक हमारी ट्रेन है और हमें निकल जाना है घर से ही, हम 2 बजे तक अप्रॉक्स निकल जाएंगे। तो लंच वगैरह कर लिया है मैंने, और मुझे कहीं बाहर जाना होता तो मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती है, मैं खाना नहीं खा पाती हूँ। इवन मुझे थोड़ी दूर भी कहीं जाना है तो मुझे भूख नहीं लगती, बट जैसे ही मैं बैठ जाती हूँ या पहुँच जाती हूँ तो फिर मुझे वहाँ पहुँच करके भूख लगती है। तो यहाँ पर मैं पानी भी बॉटल में भर ले रही हूँ, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अजवाइन पानी लिया था जो कि ज़्यादा गर्म था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैंने ठंडा पानी भी इसमें रख लिया है। और यहाँ पर मेरा बैग भी रेडी हो चुका है, तो बस कुछ ज़रूरी चीज़ें मैंने सोच सोच करके रखी हुई हैं, और 3 से 4 दिन के हिसाब से मुझे पैकिंग करनी है, बच्चों के भी 3 से 4 दिन के हिसाब से कपड़े रखने हैं, अपने भी। और आजकल एसी वगैरह में ब्लैंकेट वगैरह नहीं दिया जाता तो ब्लैंकेट भी रखना है, जिसकी वजह से ना सामान एक्स्ट्रा हो जाता है। और पहले काफ़ी सुविधा थी कि एसी में आपको जो है वो ब्लैंकेट मिल जाता था, तो वो अलग से आपको कैरी नहीं करना पड़ता था, लेकिन अभी ना थोड़ा सा काम बढ़ गया और थोड़ा सा लगेज भी बढ़ जाता है। तो बस 2 ब्लैंकेट मैंने पैक किए हैं, बल्कि पतले पतले ही हैं, ज़्यादा नहीं स्पेस ले रहे हैं फिर भी, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग हो चुकी है। अभी हम घर से बाहर निकल चुके हैं और हमने टैक्सी बुक करके रखी हुई है, तो बस उसी का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। और टैक्सी जैसे ही आ जाएगी वैसे ही हम स्टेशन के लिए निकल लेंगे। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा, धूप बहुत तेज़ हो रखी है इस टाइम पे, तो अभी स्वेटर शॉल कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ओढ़ के रखो, लग रहा है सब कुछ। और बैग में भी मैंने 1-2 स्वेटर ये सोच करके रख लिया है कि शायद थोड़ी सी ठंड हो वहाँ पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जब ऐसा मौसम हो रखा है तो शायद वहाँ भी ठंड के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो हम आ गए हैं टैक्सी के पास, तो सामान वगैरह रख लेते हैं और फिर निकलते हैं, निकलने का भी टाइम आ गया है। तो ये हमारा बैग वगैरह रखा जा रहा है और आद्या को ये संभाले हुए हैं, तो बस चलो बैठ जाते हैं और फिर आप लोगों से थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, थोड़ी देर के बाद आपसे बातें करूँगी। जब हम घर से बाहर निकलते हैं और इतने दूर के लिए प्लान करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती, बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो बस कुछ बातें हम भी डिस्कस करते हुए चले जा रहे हैं, ऑलमोस्ट और सारी प्लानिंग तो इन्होंने कर ली है, बस कुछ छोटी मोटी बातें मेरी आप लोगों के साथ हो रही हैं। तो हम पहुँचने वाले हैं बातें करते करते स्टेशन, और स्टेशन में फिर पहुँचने के बाद ऑब्वियस सी बात है ट्रेन में ही बैठेंगे, तो ट्रेन में बैठ करके हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ कि इतने दिनों बाद हम लोग घर से निकल रहे हैं और इतनी लंबी दूरी तय करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो अभी मैं स्टेशन भी पहुंच गई हूं और ब्लॉग का मैं सोच रही हूं यहीं पर एंड कर देती हूं, आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल, बाय, टेक केयर। एंड आपको अच्छे से ब्लॉग के साथ जल्दी ही मिलूंगी, तो आप लोग मेरी फुल जर्नी एंजॉय करिएगा। और चलो फिर एंड करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, बाय बाय।